फैमिली, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमको मिला है बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में ब्लॉग में, और हम आपको बताएंगे कि हमें ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो बहुत ही प्यारा है जो हमको मिला है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के यहाँ मौसम का क्या हाल है। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है और अब तो फिलहाल बंद हो गई है। तो मैंने दोस्तों एक ब्लॉग शूट किया था बारिश के टाइम पे, बट उसमें ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, बारिश की शोर हो रही थी उसमें, तो फिर मैंने उसको ऐड नहीं किया। तो फिर से मैं नया ब्लॉग शूट कर रही हूँ बारिश के बाद। तो दोस्तों, अभी देखिए मैं अपनी बेटी को अपनी गोदी में ली हूँ और इसको सुला रही हूँ। तो ये सो गई थी, बट मैं बाहर आ गई हूँ तो अभी बाहर सो नहीं रही, जग रही है। क्योंकि यार थोड़ा सा इसकी ना थोड़ा सा अनमन है इस वजह से है, क्योंकि इसके ना टीथ निकल रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। क्योंकि दोस्तों, बच्चों को जब फर्स्ट टीथ निकलते हैं तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से थोड़ा सी अनमन है। बाकी इसको मैंने मेडिसिन वगैरह दे दी है। तो दोस्तों, मौसम आज का बहुत ही ठंडा हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। ऐसे में लग रहा है गर्मा गर्म चाय और पकौड़े मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो देखते हैं शाम में, पकौड़े तो नहीं बट चाय ज़रूर बना के पियेंगे, क्योंकि पकौड़े नहीं बनाएंगे यार, क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही है और हमारे यहाँ पे ना लाइट का बहुत ही ज़्यादा इशू रहता है बारिश के टाइम पे। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि हमको क्या गिफ्ट मिला था। दोस्तों, गिफ्ट हमको दिया है हमारे हस्बैंड ने, जो कि बहुत ही प्यारा है। तो दोस्तों, मैं इसकी डिमांड काफ़ी टाइम से कर रही थी बट मुझे वो दे नहीं रहे थे, तो फाइनली उन्होंने मुझे कल नाइट में वो गिफ्ट मुझे ला के दे दिया है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी सारे फ़ायदे भी होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है। तो दोस्तों, मुझे हस्बैंड ने गिफ्ट किया है बहुत ही प्यारा सा ब्लूटूथ, जो कि यूलव का है और मुझे बहुत ही सच में बहुत पसंद है यार, मैं क्या बोलूँ। तो एक्चुअली मैं ऐसा था ना दोस्तों कि मैं इसकी डिमांड काफ़ी लंबे समय से कर रही थी, और बट फिर उन्होंने मतलब बोला कि हाँ ला देंगे। फिर मैं कहीं भूल जाती हूँ सारी चीज़ें, तो क्योंकि फ़ोन से वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और दोस्तों, अभी आ गया तो मुझे इसके दो फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि जैसे कि मैं कोई वीडियो वगैरह देखती हूँ नाइट में, कुछ मतलब देखती हूँ मोबाइल में, तो उसका शोर होता है तो हमारी बेटी ना जग जाती है। तो उस एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया दोस्तों, जब मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ ना तो उसका वॉल्यूम मुझे हाई करना पड़ता है, तो घर वालों के सामने बनाती हूँ तो उनको बाहर तक आवाज़ जाती है, तो लोग समझते हैं कि क्या कर रही है अंदर। इससे फ़ायदा जाएगा, आराम से ब्लूटूथ लगा के मैं आराम से अपने रील्स और शॉर्ट वगैरह क्रिएट कर लिया करूँगा और मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ये क्या आया मेरे ऊपर? मक्खी आई थी मेरे कैमरे पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये प्यारी सी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस, प्यारे प्यारे से वीडियोस लाती रहती हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों, मेरी आँख में पता नहीं कैसे लग गया। तो दोस्तों, आज मैंने सच में कल से मतलब मैंने किचन का जब से काम किया, मुझे थकान सी हो रही, पता नहीं क्यों नींद तो नहीं आती, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नींद आ रही, आँखों में नींद रहती बट सोने की कोशिश करती हूँ तो नींद नहीं आती। एक तो ऐसा होता है ना दोस्तों, छोटे बच्चों की वजह से नींद का प्रॉब्लम सभी के साथ में होता है, तो मेरे साथ भी हो जाता है। तो दोस्तों, ज़्यादा ब्लॉग को लंबा नहीं करेंगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।